नया शहर, नए घर में नई मुस्कुराती सी, खूबसूरत सी, गुनगुनाती सी सुबह, और इट्स माय साइट, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइट। अजनबियत का एहसास नहीं हुआ, नया शहर था, नई जगह थी, लेकिन अच्छी नींद आई, बल्कि बहुत अच्छी नींद आई, थके हुए बहुत थे। इस्लामाबाद में ज़्यादातर ये पठान वठान के होटल का तो रिवाज नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें एक होटल मिल गया जहाँ से हमने ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता मंगाया, अंडा पराठा, ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता करके तो मज़ा ही आ गया। क्योंकि अभी आपको पता है गैस वैस का सिस्टम तो अभी है नहीं, आज इंशाल्लाह सब कुछ अरेंज होगा, इसलिए आज बहुत काम करने थे। सबसे पहले तो काम ये शुरू किया कि पहले बेड लगा लेते हैं, आपको पता है बेड का बहुत ज़्यादा फैलावा होता है, और मेरे पास तो तीन तीन बेड हैं, तो हमने कहा तीनों कमरों के पहले बेड सेट कर लेते हैं तो इनका फैलावा सिमट जाएगा। ये अलमारी जो है, जो दो कमरों में अलमारी बनी हुई है पूरी, और अच्छी अलमारी है, उन्होंने ऊपर मचान भी बनाया हुआ है, गुंजाइश तो काफ़ी सारी है, लेकिन हमारे पास सामान ही इतना सारा है, इसमें बेचारे लोगों का तो कोई कसूर नहीं है। उन्होंने तो अपने हिसाब से नीचे भी अच्छी जगह दी है, हैंगर की जो ड्रॉ है उसकी भी बहुत अच्छी जगह है, और नीचे भी उन्होंने शायद शूज़ वगैरह के रैक के तौर पर बनाई है। और पूरे पंजाब का यही ट्रेंड है कि यहाँ पर अलमारियाँ आपको बना के देते हैं, रेंट पर भी घर दें, कराची में इस तरह का कोई रिवाज नहीं है। पूरे दिन काम करते करते थक गए थे, तो हम लोगों ने सोचा, और फिर खाना वगैरह भी खाना था, और कुछ ऐसा ज़रूरी सामान भी लेना था जो किसी स्टोर में नहीं मिल सकता, वो किसी आपको बाज़ार में ही जाके मिलेगा। और फिर हमने घर से निकले, घर के नियरेस्ट बहुत अच्छा पेट्रोल पंप बना हुआ है, यहाँ से पेट्रोल भरवाया, डिजिटल पेट्रोल पंप जो हमने आमना ने इसका नाम रखा, इसलिए कि यहाँ पर डिजिटल मशीनें लगी हुई थी, अच्छा पेट्रोल पंप था। अच्छा, पंजाब का ऐसा रुझान है कि पंजाब में अलग अलग सेक्टर बने हुए हैं, हर सेक्टर का एक मरकज़ होता है, और आपका बाज़ार उस मरकज़ में ही है, आपको सब चीज़ें लेने के लिए, इवन हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ लेने के लिए भी मरकज़ जाना पड़ेगा, और मरकज़ घर से थोड़ा सा दूर था। लेकिन कराची में तो खैर आपको छोटी छोटी जगह से भी हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको एक सुई भी लेनी है ना, तो आपको मरकज़ ही जाना है, तो ये थोड़ा एक तकलीफ था, मुश्किल काम है, देखें आप इसको कैसे हल करते हैं। माशाल्लाह से घर हमारा बहुत अच्छी जगह पे था, कोई भी चीज़ दूर नहीं थी, स्टोर भी करीब थे, मेट्रो बहुत समझ लें तकरीबन 10 मिनट के फासले पर ही मेट्रो का बहुत बड़ा स्टोर बना हुआ था, इसके अलावा छोटे मोटे स्टोर भी बहुत सारे थे, और मरकज़ भी इतना दूर नहीं है, तकरीबन 20 मिनट के फासले पर आपको मरकज़ भी मिल जाएगा। और फिर हम मरकज़ पहुंच गए थे, और ये मरकज़ में पहली बार इंटर हुए तो ज़ाहिर बात है अच्छा अच्छा सब रहा था। ये एक सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत ड्राई फ्रूट की शॉप थी, डिस्काउंट ड्राई फ्रूट के नाम से, यहाँ पे आइसक्रीम भी थी, अब्दुल्ला के लिए आइसक्रीम दी, और ये भी सोचा कि आइंदा यहाँ पे आके यहाँ से ड्राई फ्रूट लेंगे, इसलिए इतनी ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत ड्राई फ्रूट की शॉप लग रही थी। और फिर भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी थी, सामान सारा ख़रीद लिया था, और बाज़ार वगैरह का भी यही हिसाब किताब है कि बहुत जल्दी ही बाज़ार बंद हो जाते हैं, बेकरी वगैरह के आइटम तो शायद खुले रहते होंगे, लेकिन जो बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी की इस्तेमाल की अशियाँ होती हैं उनकी शॉप्स तकरीबन सारी बहुत तकरीबन भी 8 बजे तक बंद। बाकी रेस्टोरेंट पहुँच गए थे, एक रेस्टोरेंट ढूँढ निकाला था, ज़बरदस्त सा था, हर चीज़ थी, ज़्यादा इंजॉय किया। और फिर अगली सुबह माशाल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी काम हो गया था, गैस का पाइप वगैरह हमने खुद फिट कर लिया था, और नाश्ता हमने अपना खुद बनाया, तो नए घर में नई सुबह का ये पहला नाश्ता सुबह बखैर, क्या बात है, अपने हाथ से बने हुए नाश्ते की सुकून मिलता है। ज़ाहिर बाहर का नाश्ता बाहर होता है और महंगा भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, हकीकत बात तो यही करूँगी, ये हमने सेटिंग की हुई थी, चूल्हा छोटा सा हमारे पास था, ये टेम्परेचर से सेटिंग की हुई थी, और थोड़ा सा किचन भी हमने सेट किया था हल्का फुल्का सा, बनाना तो मुझे कुछ हल्का फुल्का सा था, ज़ाहिर बात है काम में डिस्टर्ब हो रहा था, फिर बाज़ार से मंगाना पड़ रहा था जो कि आपको पता है बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। लेकिन फिर इनके एक दोस्त मेहमान आने लगे, तो उन्होंने कहा मैं चिकन ला देता हूँ, तो चिकन का कुछ बना लो, तो फिर हमारे घर में पहला खाना बना चिकन कोरमा, जो कि मेरी अम्मी की रेसिपी से बना, और मुझे इसलिए अम्मी बहुत ज़्यादा याद आई। किचन भी काफ़ी थोड़ा थोड़ा सा मेटना शुरू कर दिया था, बल्कि काफ़ी थोड़ी सी सेटिंग हो गई थी किचन, हाँ थोड़ा सा, बल्कि बहुत ज़्यादा छोटा था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं इसको सामान इतना सारा है किचन का मेरे पास कि अब मैं इसको किस तरह से एडजस्ट करूँ, लेकिन चलें देखते हैं कुछ ना कुछ हो जाएगा। और आप लोग बताएं कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और इस मज़ेदार से चिकन कोरमे की रेसिपी अगर आपको चाहिए, अम्मी की रेसिपी, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और
इस्लामाबाद से ये पहला व्लॉग था, आगे भी इस तरह के अच्छे अच्छे से व्लॉग्स बनाती रहूँगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इट्स माय साइड के साथ, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।